फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण कुक्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपके साथ में बहुत ही जरूरी टिप्स एयर फ्रायर के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि एयर फ्रायर को लेने के बाद बहुत तरह का क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि इसमें क्या यूज करें क्या नहीं करें, क्योंकि हम लोग जब डायरेक्ट यूज करते हैं तो इसमें जो है बहुत ही गंदा होता है, इसे साफ करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इस पे तो कुछ बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका साफ करना, और बार बार अगर साफ करेंगे तो इसका कोटिंग जो है सो नीचे से आपको पूरा निकलने का डर रहता है। इसीलिए इसको बचाने के लिए आपको कुछ कुछ पेपर यूज करना रहता है। इसमें तो इसमें क्या यूज करें, अल्मोनियम फॉइल करें, बेक पेपर जो आता है उसको हम लोग यूज करेंगे, कि बटर पेपर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे और यूज करने का तरीका क्या है, आज आपके साथ में हम शेयर करेंगे। एयर फ्रायर किचन का एक ऐसा अप्लायंसेस है जिसे लेने के बाद आपको लगेगा कुछ अच्छा लिए, और अच्छा इसलिए बोल रहे हैं अच्छा लिए कि इसमें जो भी आप बनाइएगा आपको पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कम तेल मसाला में बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी लगेगा ही नहीं कि बिना तेल मसाला का कुछ भी हम खा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम इसमें फ्राई करेंगे तंदूरी चिकन। सबसे पहले वॉश करने के बाद इसमें नमक और नींबू मिला के रख देंगे साइड में आधा घंटा के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद डालेंगे इसमें दही, तो 2 चम्मच यहाँ हम दही डालेंगे, जिस हिसाब से चिकन रहे उस हिसाब से डाल दीजिए। साथ में डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाला, गरम मसाला के साथ में तंदूरी चिकन मसाला डाल देंगे। यहाँ पर डाल दिए लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम डालें यहाँ पर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे इसमें, साथ में ले लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी, हल्दी के साथ में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे इसमें, जो दिखाना भूल गए। और इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है चिकन, जो अच्छी तरह से मसाला में कोट हो जाए इतना आपको मिक्स करना है। कम से कम आधा घंटा के लिए जरूर रखिएगा, अगर टाइम हो तो 2 घंटा के लिए भी ढक के रख दीजिएगा। चिकन मैरिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर चिकन को हम एयर फ्रायर में फ्राई करेंगे, लेकिन एयर फ्रायर में अगर डायरेक्ट डालिएगा तो चिकन अच्छा बनेगा, जूसी तो बनेगा, लेकिन आपका बास्केट बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है साथ सिलिकॉन शीट पर इसका फ्राई करने वाले हैं। सबसे पहले एयर फ्रायर को प्रीहीट करना है, टेम्परेचर रहेगा 200 और टाइम रहेगा 7 मिनट। उसके बाद आपको सिलिकॉन जो सीट है वो डाल देना है। अगर आपके पास सिलिकॉन सीट नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्मोनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं, बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन ये सीट का यूज करने का मेरा मकसद यही है कि इसका जो होल है इस कारण से इसमें जो एयर का फ्लो रहेगा सो चारों तरफ लगेगा, चिकन जो है सो अच्छा बनेगा, जूसी बनेगा और चिपकेगा भी नहीं। आप चिकन जो है सो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि सीट भी डालना है, अल्मोनियम फॉइल डालना ही है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो घर में फ्राई पैन या तवा है उस पर भी सेक सकते हैं। अब यहाँ पर एयर फ्रायर का टेम्परेचर रहेगा 180 और टाइम रहेगा 20 मिनट, लेकिन बीच बीच में खोल के इसे ज़रूर चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 10 मिनट हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अभी पका नहीं होगा, लेकिन एक बार बीच में खोल के इसे सोचे चेक कर लें। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दिए हैं, क्योंकि इससे पहले तेल बिल्कुल भी यूज नहीं किए थे, हम सीट पर यूज किए थे, इस पर नहीं किए थे। एयर फ्रायर में कुछ बना रहे हैं और आपको पता नहीं है कि टाइम और टेम्परेचर कितना सब सेट करें, कैसे सेट करें, तो उसके ऊपर में सब कुछ मेंशन किया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। चिकन को पूरी तरह से पकने में 27 से 28 मिनट लग जाएगा, लेकिन उस बीच में आपको 2 से 3 बार खोलना है, हल्का सा बटर या तेल लगाना है और फिर बंद कर देना है। इससे बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आएगा आपका चिकन में और बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा चिकन। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये तंदूरी चिकन बनके तैयार हुआ, बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इस चिकन से। तंदूरी चिकन बनाने के बाद सोचिए जो मूंगफली को रोस्ट करके देखते हैं, मसाला मूंगफली जो बनाते हैं बना के ट्राई करते हैं, बहुत ही टेस्टी बना था, खट्टा मीठा टेस्ट था, क्रिस्पी बना था, मार्केट से भी अच्छा बना था। इसे बनाने के लिए हम 200 ग्राम मूंगफली लिए थे, मूंगफली थोड़ा सा चुन लिए कि कंकर पत्थर ना हो, उसके बाद उसे धो लिए, पानी से धो लिए, जो धूल मिट्टी जो था वो भी निकल गया। उसके बाद अब इसमें हमको मिलाना है मसाला, धोने के तुरंत बाद आपको ये प्रोसेस करना है मसाला मिलाने वाला। तो 4 चम्मच बेसन इसमें डाले हैं, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा तीखा भी बनाना है, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच रेगुलर नमक और 1/2 चम्मच काला नमक, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हींग जरूर डालिएगा, यहाँ पर गोल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डाले हैं, उसके बाद आमचूर पाउडर डालें खट्टा मीठा टेस्ट के लिए, आमचूर पाउडर ना हो तो 1 नींबू का रस डाल दीजिएगा। उसके बाद अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है, 3 से 4 चम्मच यहाँ पानी इसमें लगेगा, लेकिन एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे, सारा मसाला मूंगफली सब एक साथ मिक्स हो जाए उतना ही पानी आपको इसमें डालना है।
ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिए और उसके बाद मूंगफली को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जो है एयर फ्रायर का जो ट्रे है उसमें आपको डालना है कोई पेपर, बेकिंग पेपर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर लिए हैं पार्चमेंट पेपर करके आता है, आप अमेजोन पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ रहता है, उसमें आपको कटिंग करने का टेंशन नहीं रहेगा। डाल दिए, ऊपर से आपको इस तरह से फैला के मूंगफली डालना है, एक जगह मत डालिएगा, इस तरह से फैला के जैसे तेल में कैसे डालते हैं उसी तरह से यहाँ पर फैला के आपको डालना है, एक जगह नहीं डालेंगे। इस तरह से पूरा का पूरा फैला दिए, हम 200 ग्राम लिए थे। अब यहाँ पर प्रीहीट तो है ही एयर फ्रायर, तो अब जो है इसमें टेम्परेचर सेट करेंगे, तो 160 रखेंगे टेम्परेचर और टाइमिंग रखेंगे 20 मिनट, लेकिन बीच बीच में खोल के ज़रूर देख लीजिएगा 5-6 मिनट बाद। मूंगफली को बनने में टोटल लगेगा 25 मिनट, लेकिन आपको बीच बीच में खोलना भी है और जैसे सब्जी चलाते हैं उस तरह हल्के हल्के हाथों से आपको चलाना भी है, ताकि एक एक दाना जो है इसका जो है सो अलग हो जाए। तो चलिए, पहले हम 10 मिनट पर सेट किए थे, फिर यहाँ पर 10 मिनट के लिए सेट किए हैं। 10 मिनट बाद जब खोले थे तो उसे अच्छी तरह से दाना जो है सो अलग कर दिए थे और फिर 10 मिनट पका लिए। उसके बाद अब जो है यहाँ पर तेल ब्रश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सरसों तेल का यूज करेंगे। तेल के यूज करने के बाद, लगाने के बाद ब्रश से 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, बस उसके बाद आपका मूंगफली बनके तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स। और पार्चमेंट पेपर की जब बात है, अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी बेकिंग पेपर है उसका यूज कीजिए। पार्चमेंट पेपर जो है, इससे पहले का जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें ज़रूर दिखाए हैं कि पार्चमेंट पेपर क्या है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप अमेजोन से ले सकते हैं पार्चमेंट पेपर करके, आप अगर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो हम लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। उसमें कटिंग करने का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो चलिए, यहां पर जो है सो टोटल 25 मिनट में बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी मूंगफली बनके तैयार हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट से बहुत ही अच्छा बना है, तो इसे भी आप ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एक दो ऐसा कमेंट्स आया था कि अगर आप इसमें पेपर लगा दे रहे हैं, बटर पेपर या कोई भी पेपर लगा दे रहे हैं, तो इसका जो एयर सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आप एक पेपर नहीं लगाएंगे तो फिर आप छोटा छोटा चीज़ जैसे मूंगफली है उसको आप फ्राई नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट फ्राई नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको पेपर लगाना पड़ेगा। आपको हम दिखा देते हैं कि ये पेपर कितना तेल एब्जॉर्ब किया, अगर आप नहीं लगाएंगे तो सारा का सारा मूंगफली जो आपका नीचे गिर जाएगा। कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे कि बिना तेल का कुछ बना सकते हैं क्या, तो फ्रेंड्स यहाँ जब पार्चमेंट पेपर जो है उसमें बिना तेल का भी बना सकते हैं और बहुत आराम से निकल भी जाता है। तो हम ये छोटा सा एक आपको यहाँ पर क्लिप दिखा रहे हैं। एक ब्रेड लिए, ब्रेड के ऊपर से अंडा डाल दिए, अंडा तोड़ के डायरेक्ट डाले, हम फेंटे नहीं यहाँ पर अंडा, उसके ऊपर से नमक डाल देंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे गोल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च को काट करके डाल दीजिए, प्याज डाल दिए, शिमला मिर्च डाल दिए। बिना तेल का बना रहे हैं, हेल्दी खाना है तो सिर्फ सब्जी ही डाल सकते हैं और तो कुछ डाल नहीं सकते। और बस 5 मिनट के लिए आपको इसे ऑन कर देना है, टेम्परेचर रखेंगे 160 पे और 5 मिनट के लिए ऑन कर दिए, लेकिन 3 मिनट में ही यहाँ बनके तैयार हो गया। प्रीहीटेड ओवन था, पहले से ही हम रोस्ट किए थे मूँगफली, इसलिए बहुत ही जल्दी बनके तैयार हुआ, बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ, बिल्कुल भी चिपका भी नहीं, आप देख सकते हैं। और एक्स्ट्रा जो ब्रेड में तेल था वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पार्चमेंट पेपर में लग गया, तो है ना बहुत ही यूजफुल और बहुत ही टेस्टी बना, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मसाला मूंगफली जो मार्केट से भी अच्छा बना है, यहाँ चिकन तो बहुत ही टेस्टी बना, एकदम स्मोकी फ्लेवर भी आया है, ब्रेड ऑमलेट देख लीजिए भी बहुत ही टेस्टी बना है। आज एयर फ्रायर में जो भी रेसिपी बना है बहुत ही हेल्दी बनाए हैं, बहुत ही कम तेल में बनाए हैं, तो इसे आप घर में आराम से ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।